मतलब वही है ना कि पैसे के नीचे टैलेंट दब जाता है, जिम्मेदारियों के नीचे टैलेंट दब जाता है। इधर काम चालू है, इधर भी उधर गेट का भी, ये इस तरफ पूरा बिम डाल रहे हैं हम लोग। और ये वाली जो वॉल है ना, ये वॉल पूरी यहाँ तक आएगी, मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था आप लोगों को। तो फिलहाल अभी धीरे धीरे काम चालू है, मतलब ज़्यादा जोर तो हमने उस गेट पे दे रखा पहले, एंड धीरे धीरे करके इसका भी करवा रहे हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 3:30 और अभी जा रहा हूँ मैं कोटी की तरफ। एक्चुअली मैंने ना 900 के लिए साइड मिरर ला रखे थे, वो मैं कल लेके नहीं आया। वैसे मैं काफ़ी दिन हो गए मेरे को लगे हुए उसको, उस टाइम जिस टाइम मैं कश्मीर जा रहा था ना उस टाइम ले लिया था मैंने उसको, बट लगवाए नहीं थे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज अपनी 900 पे साइड मिरर लगवा देंगे, एंड उसके बाद जाऊँगा मैं नई टीरी सोने को लेने के लिए, जो अपना डेली का काम है। जय श्री राम। आज फिर से जा रहा हूँ अपने आरसी को लेके। एक्चुअली यार एनएस सामने खड़ी हो रही है, बट एनएस की चाबी लेके नहीं आया मैं। आरसी, मैंने कहा आरसी लेके चलते हैं और थोड़ी देर इसको थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट छोड़ते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। चलो जी, जय श्री राम। कल रात को तो मम्मी ने इतना छेड़ा नहीं फ़ोन पे, बट आज मम्मी सुबह छेड़ रही थी उस पर कि मतलब देख रही थी बोल के क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो फिर मैंने बताया कि मतलब इस तरीके से आज थोड़ा सा यूट्यूब चलाना भी सिखाया मम्मी को कि मतलब किस तरीके से क्या देखना है, मतलब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आ रहा है मम्मी ने आज, पहले सबसे पहले मेरा रब्बी का मतलब मेरे जो छोटा भाई है सबका नंबर सेव कराया कि सबका नंबर सेव कर पहले मतलब जो इंपॉर्टेंट है, एंड दी लोगों का भी, जो मेरी जेठी माँ की लड़कियाँ हैं। जेठी माँ मीन्स जो मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन है, तो उनकी लड़कियाँ हैं जो उनके नंबर भी सेव करवाए। बड़ी वाली दीदी की तो शादी हो रखी है, छोटी वाली की नहीं हो रखी है शादी। छोटी वाली मेरे से भी छोटी है, भूली है, तो उसका भी नंबर सेव किया। जेठी माँ का नंबर सेव किया, सबका नंबर सेव कर दिया, एंड अपना रब्बी का मतलब, और जो मतलब मेरे को लगता है कि मतलब ज़रूरी हैं, और बता दिया कि मतलब कॉल किस तरीके से करना है। मतलब मम्मी के तो फेस पे स्माइल थी ना, माँ कसम मतलब मेरा दिल खुश हो गया था वो स्माइल देख के। सही बताऊँ ना आप लोगों को, भाई साहब ना यही चीज़ चाहिए बस ज़िंदगी में, क्या चाहिए, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए यार। तुम्हारे पेरेंट्स के मतलब तुम्हारे कुछ करने पे तुम्हारे पेरेंट्स के फेस में अगर स्माइल आ रही है ना, उससे बड़ी चीज़ ज़िंदगी में कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मतलब अलग, मतलब दिल छू लेने वाली फीलिंग है यार वो क्या बताऊँ मैं आप लोगों को ना। यार कल जब मैं चम्मा में था ना, उस टाइम पे मैं इंस्टा चला रहा था, तो इंस्टा पे मैंने स्टोरी देखी कार्तिक भाई की, जिनसे मैं गोप्रो लेके जा रखा था कश्मीर। तो वो लोग जा रखे हैं पंचबद्री के लिए। तो फिर मैंने कॉल किया यार कि मैंने कहा मेरा प्लान भी बन रहा है यार, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं भी जाऊँ उनके साथ, बट वो लोग जोशीमठ पहुँच गए थे कल। तो उन्होंने बोला कि आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कि ज़्यादा दूर का नहीं है टाइम, मतलब ज़्यादा दूर का नहीं है, ये ट्रिप नज़दीक की है। तो मेरा एक बार प्लान बन गया था कि मैं निकलता हूँ उसी टाइम पे, बट फिर मैंने कहा घर भी नहीं होता, कपड़े भी नहीं लाया, कई सारी चीज़ें हैं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, नहीं तो भाई मैं कंफर्म हो गया था कल कि यार मैं चलता हूँ यार, क्योंकि मैं आज तक नहीं गया। वैसे मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ बस, और चार बद्री जी और हैं जो उनका, वहाँ नहीं जा रहा हूँ मैं। तो जाएंगे ऐसे, मैं सोच रहा था यार कि जाने की कल, अगर मेरा प्लान में जाता ना कि यार चलते हैं, तो फिर शायद आप लोगों को आज वाला ब्लॉग बद्रीनाथ का दिखता, बट बुलावा नहीं आया अभी तक। अब ना मतलब सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, पता है। तो पहले हमारे प्लान बनते थे ना, माँ कसम, रात को अगर प्लान बना रात को निकल जाते थे, अगर सुबह प्लान बनाया तो सुबह ही निकल गए, मतलब टाइम को कुछ पता ही नहीं है। अगर मतलब ये है कि रात को 10 बजे भी बन रहा है ना प्लान, तो हम तभी भी निकल जाते थे, बट अब थोड़ा सा जिम्मेदारियाँ आ गई हैं यार सब पे थोड़ा सा करके, तो इसलिए लोग थोड़ा सा मतलब लोग क्या मतलब इसीलिए दोस्त लोग सारे कम ही जाते हैं आप इस तरीके से राइड पे, एंड मतलब कहीं भी घूमने वगैरह पे, बट मैं ही हूँ बस एक वेला जो घूमता रहता हूँ ऐसी बिना बात के, बट कोई बात नहीं, मेरा मन है यार। वैसे मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा है कि सारे दोस्त लोग जो पहले जाते थे हम लोग ट्रिप पे, वो सारे दोस्त लोग मिलकर ना कहीं ट्रिप पर जाएं। खींच खींच के ले जाना पड़ेगा ना सालों को चला घूमने क्या करें यार, जिम्मेदारियाँ इतनी वैसी हो जाती है ना चीज़ें, जिम्मेदारियों की वजह से इंसान अपने शौक भी पूरे नहीं कर सकता फिर सही तरीके से, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं यार, समझ रहे हो आप। मिडिल क्लास फैमिली में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है इसमें, कहीं किसी का मन भी होगा ना घूमने का, तो फिर भी वही यार कि मतलब ये है वो है, ये काम है वो काम है, सारी चीज़। तो यार फ्यूल अप हो गया, तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ जिम्मेदारियाँ इंसान को बांध देती है यार ना, मतलब कुछ अगर कोई इंसान कुछ करना भी चाहे तो फिर भी मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये शौक वगैरह पूरे करना जो भी है, मतलब बात सिर्फ घूमने फिरने की नहीं है, बात कई चीज़ों की है। अगर कोई खेलने कूदने में अच्छा है बट उसके पास बैक सपोर्ट नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत सर पे कि यार जब बैक सपोर्ट ही नहीं है तो घर भी पालना है, कोई है नहीं कमाने वाला, तो उस हिसाब से ना पता बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती है ना। हमारे उत्तराखंड में बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब
थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग ना इन चीज़ों में ज़्यादा सफ़र करते हैं, पता है उनको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सला पैसे के नीचे ना टैलेंट दब जाता है, मैं आपको रियलिटी बताऊँ आज के टाइम के, पैसे के नीचे टैलेंट दब जाता है। तो ये चीज़ें हैं आज के टाइम में यार। बट बहुत से लोग हैं जो मतलब इन लकीरों को तोड़ के बाहर निकलते हैं, अपनी जंजीरों को तोड़ के बाहर निकलते हैं। तो वही है यार, अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा अगर पॉसिबल हो तो अपने थोड़ा सा दायरे से बाहर निकल के देखो, थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करके देखो, एंड कोशिश करो हर टाइम अपना 100 में से 110% देने की कोशिश करो यार। बट करो कोशिश, लगे रहो किसी भी चीज़ में, लगे रहो यार, तुम एक ना एक दिन तुमको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मेरा मानना ये है भाई। जितना अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे ना किसी चीज़ के लिए तो फिर कामयाबी कहाँ से मिलेगी। बट फिर भी यार बहुत से लोग, मैं बोलते रहूँ अभी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन जो मेहनत तो पूरी करते हैं बट उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिन चीज़ों के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो वही है ना कि पैसे के नीचे टैलेंट दब जाता है, जिम्मेदारियों के नीचे टैलेंट दब जाता है, वही चीज़ें हैं। बट फिर भी लगे रहो, एक ना एक दिन मुकाम हासिल ज़रूर होगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो बाकी। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकता है आप लोगों को, क्योंकि मैंने भी ये लकीरें तोड़ के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ जो भी हूँ। और जो लोग मेरे को पहले से जानते होंगे उनको पता होगा यार कि मतलब मैं किस जगह से उठाऊँ, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है, लगे रहो बस, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। तो यार थोड़ा सा पहले बॉडी बैंड से होके आते हैं, उसके बाद फिर 900 पे मिरर लगाएंगे। बॉडी बैंड में काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ, जिस दिन मतलब मैं कश्मीर गया, हाँ मैं ना 2 महीना तो हो गया होगा मे बी, सही तरीके से मैं गया नहीं हूँ अभी बोटिंग माइंड में। एक दिन गया था 2-4 दिन पहले, बट ऐसे ही थोड़ा सा रुक के फिर वापस आ गया था, वही सीन है। मतलब सही तरीके से पता नहीं कितने टाइम से नहीं आया मैं यहाँ पे अपनी पुरानी जगह जहाँ से सब कुछ स्टार्ट किया। ओके गाइस, फिलहाल आ चुका हूँ मैं गाड़ी पे, और ये है मेरे छोटे भाई की गाड़ी, और उसको मैंने अपनी आरसी पकड़ा दी है। मैंने कहा तू बाइक रख, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ सोनी को लेने। वैसे यार मैंने सोचा था कि बॉडी बैंड से आने के बाद मैं सीधे 900 के सीसी चेंज करूँगा, बट मेरे को वहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी लेट हो गई थी और सोनी की छुट्टी हो गई। तो अगर मैं पहले जाता भाई 900 के सीसी लगाने तो फिर मेरे को लेट हो जाती, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती, और गालियाँ पड़ती अलग से, डांट पड़ती बहुत भयंकर वाली, गालियाँ तो नहीं बट डांट पड़ती बहुत भयंकर वाली। तो इसलिए मैंने कहा पहले सोनी को लेके आते हैं, देन उसके बाद आके शीशे चेंज करेंगे अपनी 900 के। अगर मैं ऊपर तो पहुंच गया बट ये ना पैदल पैदल आगे निकल गई, क्योंकि एक्चुअली मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, अभी डांटेगी मेरे को बहुत भयंकर। मैं ऊपर आ गया था वैसे बट ये पैदल पैदल नीचे आ गए, अभी कॉल किया फिर ये नीचे पहुँच गया। सॉरी सोनी, थोड़ा सा लेट हुई, थोड़ा सा ज़्यादा लेट, आगे खड़ी हो। ओह सॉरी, आया जल्दी 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 नीचे भी आएंगे। मैं ऊपर चला गया था, मैं ऊपर चला गया था शॉर्टकट, मैं सोचा तू अभी वहीं है। भाई साहब इस टाइम पे इतनी गंदी ठंड हो रही है यहाँ पे, और लोग मेरे को बता भी रहे हैं कि ठंड हो रही, पर ये नहीं कि मैं स्वेटर लेके आ दूँ। मैं तो कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में ना, कल से तो हो गया तेरे कपाल, स्वेटर पहन के आया बेटे, इतनी गंदी वो हो रही है ना, बहुत भयंकर ठंड हो रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि इसको इसकी दी का फोन आ रहा है कि किसके साथ आ रही, ये क्या बोल रही दी को फोन, मेरा पर्सनल ड्राइवर है उसके साथ आ रही हूँ। ड्राइवर हूँ मैं भयंकर, मतलब यार बेकार है जिंदगी में, क्या करूँ मैं, कहाँ जाके मरूँ मैं, भयंकर ऐसे से लोग हैं। क्या बोलता मैंने बता, बता क्या बोलता मैं, हाँ हाँ मैं बेटे झूठ मत बोल, मैंने तेरे से कुछ नहीं काम नहीं करवाया आज तक, क्या काम करवाया मैं बता, तू ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर में आके मैं बोलूंगा भाई बर्तन धो ले मेरे घर के, जरा ऐसी है ये, माँ कसम नौटंकी गई थी। अब देखो तुम, अब आओ जरा, एक देखी तुम, अब आओ जरा, तुम्हारे जो दो बार के स्कीम के फॉर्म थे वो किसने भरे, प्रिंट निकाल निकाल के तुम्हें किसने भेजे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसने भाई साहब। मैं तो बोल रहा हूं मुझे यहां जाना था, कहां पे लगाओगे गाड़ी, क्यों
गुलाब जामुन तेरे को खाने, मैं जलेबी खा रहा हूँ। इसका समोसा फिर बोलेगी पेट खराब हो गया है ना। मेरे को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद, पता है बहुत ज़्यादा।